Ja, voor. سو لاکر بڑ گڑ مے واتر مے تاد تروتا سو لاکر گڑ سو لاکر گڑ اوتر شو لاکر گڑ لاکر گڑ ہاں تو بس کمپلیٹ گون دی تو بس کور بھائی کمپلیٹ گنا دی کوسا مارا جدی بعد میرا مکن دے تر جو کوم کرن کتے کمے کمپلیٹ ہے بشیر احمد آرام ات گو پتم وہ پنچہ وری ات پیو نا ونس تان زان کنہ پھلا یہ بالکل کوچ روڈ جہانگیر شکر گزار ام کور یت مدد اس ہیلپ کرن اس یہ آرام حض پبلکس یہ زمین ساس بت کنال اس یپر کن حض اس یہ آرام پبلکس شکر گزار جان صاحب روڈ کا جو ایسٹیمیٹ تھا وہ 7 لاکھ روپے کا تھا और ये रोड पिछले कई सालों से ऐसे रोड रहा, इसमें कभी कुछ कोई कभी काम नहीं हुआ। ये रोड एक्चुअली टच करता है हाजन रोड से, हाजन टू वासीखन रोड। ये पिछले कई सालों से लोगों की ये डिमांड एक थी कि ये रोड होना चाहिए, लेकिन पता नहीं इसमें क्या हो रहा था, कौन सी पॉलिटिशियन उस टाइम चल रही थी। तो आज इस रोड का काम 3-4 दिनों से चल रहा है और लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यहाँ लोगों का आना जाना रहता है कंटिन्यू, खासकर जो यहाँ के ज़मींदार लोग हैं उनका आना जाना तो कंटिन्यू इस रोड पर रहता है। और ख़ासकर जो वासीखन टू इंद्रकूट टू नावगाम या हाजन, ये 4-5 रोड कनेक्ट करता है ये रोड, और इसकी डिमांड कहीं सालों से लोगों की थी। और इस बार जो लोगों की डिमांड थी, हम कंता रोड इसको कहते हैं, कंता रोड, और इस बार वो डिमांड जो लोगों की थी वो पूरी हो गई। देखो उनको तो फ़ायदा मिला, पिछले कई सालों से हमने जो देखा है उनके साथ इस्तेमाल हुआ है। ये रोड तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, लेकिन 2 किलोमीटर ऐसे रोड थे जिन पर मैग्नमाइज भी हुआ था और कंटिन्यू उन पर काम रहा, और 2 किलोमीटर जो रहे थे इसमें आज तक कभी काम ही नहीं हुआ था। और जो यहाँ पे जो बाग वाले और ज़मींदार लोग हैं वो काफ़ी खुश है कि आज वो भी अपने ज़मीन पे जा सकते हैं और अपनी गाड़ी लेके जा सकती है। इसमें तो कभी साइकिल भी नहीं आ रहा था क्योंकि इतना ख़राब रोड था ये, और आज अब अगर हम देखें कि आज अच्छा रोड बन रहा है, और 1-2 दिन में इंशाल्लाह ये रोड ठीक भी हो जाएगा 2-3 दिन में, और लोग भी इसमें काफ़ी सेटिस्फाई है।